हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्लॉगर चैनल, ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने खड़ा है आज पैशन प्रो का BS6 मॉडल। तो आज मैं आपको इसका सीटिंग कैपेसिटी दिखाने वाला हूँ कि सीट हाइट आपका क्या मिनिमम हाइट रहना चाहिए ताकि आप इस बाइक को इजीली राइड कर सकें। अभी हमारे साथ यहाँ पे 3-4 लोग हैं, भैया लोग हैं, जो कि आपको बैठ करके दिखाएंगे कि आपको कैसा हाइट देखने को मिलता है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने SP125 का भी कर रखा है और अभी मैं इसका भी कर रहा हूँ, तो आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को। तो अभी आप इस वीडियो को पूरा देखें, हाइट से रिलेटेड आपकी जितनी भी डाउट्स है वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं भैया को बैठा के दिखाता हूँ कि उनका हाइट जो सबसे कम है, उसके बाद सबसे जिनका ज़्यादा हाइट है वो सबसे लास्ट में बैठेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और कुछ भी पूछना रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बैठते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हमारे साथ जो भैया हैं, इनकी जो हाइट है वो लगभग 5 फीट 2 इंच के लगभग में है। तो ये आपको बैठ करके दिखाएंगे कि इनका पैर कितना अटता है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा आपको हाइट देखने को मिलता है। बैठ जाइए, सीधा करिए। हाँ, तो फ्रेंड्स बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इनका जो पैर है, दोनों साइड पैर रखिए, स्टैंड ऊपर कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड जो इनका पैर है वो टिपटो हो रहा है, मतलब पूरी तरह से पैर नहीं अट रहा है। एक बार मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप पीछे से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका पैर है वो टिपटो हो रहा है दोनों साइड से। तो आप थोड़ा सा आप एक बार आगे पीछे ज़रा करके दिखा दीजिए, पैर से आगे करिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, इनको थोड़ा ताकत लग रहा है आगे करने में। आप एक बार बताइए कि आपको मतलब बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है किसी तरह का? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आराम से चला सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भैया, ये इन्होंने अभी राइड किया, इन्होंने आगे पीछे किया जिनसे कि इनको आइडिया लग गया। थोड़ा सा चला के दिखा दीजिए इधर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इजीली चला पा रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भैया आपको बैठ करके दिखाएंगे कि आपको इनका जो हाइट है वो लगभग में 5 फीट 4 इंच के लगभग में देखने को मिलता है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इनका जो सीट हाइट है वो कैसे देखने में मिलता है। बढ़िए एक बार। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये बैठे हुए हैं, तो इनका जो सीट हाइट है उसका आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसा देखने को मिलता है। इनका जो पैर है वो मतलब एक जरा सा भी आप बोल सकते हैं कि नहीं अट रहा है, टिपटो हो रहा है एकदम। एक बार मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ कि आपको इनका जो सीट हाइट है वो कैसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो इनका जो सीट हाइट है वो मतलब काफ़ी इनको प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार थोड़ा सा राइड करके आगे बढ़ा के दिखा दीजिए, स्टार्ट करके। बस ठीक है, आ जाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनकी जो हाइट है वो मतलब काफ़ी कम है, तो इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट बाइक जो है वो काफ़ी लाइट वेट है, तो मतलब ये आपको राइड करने में वैसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम इनसे पूछ भी लेते हैं कि कैसा इनको लगा राइड करके, तो आप बताइए भैया कि आपको राइड करने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब प्रॉब्लम हो रहा आगे पीछे करने में? ठीक ठीक है, आराम है ना, मतलब चला सकते हैं ना आराम से? हाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आराम से मतलब बता रहे हैं कि चला सकते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट बाइक है। अगर वही कोई हैवी बाइक होती तो थोड़ा प्रॉब्लम होता। अब एक बार आप बैठ जाइए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अभी भैया हमारे जो बैठ रहे हैं, इनकी जो हाइट है वो लगभग में 5 फीट 4 इंच के लगभग में है। तो इनका जो पैर है वो काफ़ी अच्छी तरह से अट रहा है। अगर आप पहले से कंपेयर करते हैं उनके कंपेरिजन में, तो आप यहाँ पे पीछे से भी देख सकते हैं जो इनका पैर है वो काफ़ी अच्छी तरह से अट रहा है, तो ये इजीली राइड कर सकते हैं बाइक को। अब बात करते हैं तो एक बार आप भी थोड़ा सा चला करके दिखा दीजिए कि कैसा आपको चलाने में लगता है। चलाइए। तो अब बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि चलाने में कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो अगर आपकी हाइट 5 फीट 1 इंच से लेकर अगर 5 फीट 6 इंच तक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस बाइक को राइड करने में। काफ़ी आसानी से आप इसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब काफ़ी मतलब एक लाइट वेटेड बाइक है। तो अगर आप भी 110cc में बाइक लेने का सोच रहे थे तो आप इसे ले सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, ये रहा इस बाइक का हाइट टेस्ट। होप करता हूँ आपकी जितनी भी डाउट्स होगी हाइट्स को लेकर वो सब क्लियर हो गई हो। मतलब अगर आप देखते हैं तो इस वीडियो में मैंने लगभग जितने भी साइजेस के आपको राइडर्स देखने को मिलते हैं इंडिया में, मैंने सबको ही मतलब बिठा करके इसमें टेस्ट कर दिया।
तो होप करता हूँ आपको हाइट से लेकर जितना भी डाउट्स होगा वो सब क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने स्प्लेंडर का भी हाइट टेस्ट कर रखा है और SP125 का भी हाइट टेस्ट कर रखा है और लीवो का भी कर रखा है, उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हैं, मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी देखना हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपके मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।